मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी के बीच में आईपीएल 2024 का बोले तो 25वां मुकाबला मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से आरसीबी के खिलाफ जीत दर्ज कर ली। हाँ जी फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस ने शानदार अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली और अंक तालिका में बोले तो 7वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं पर हम लोग आरसीबी की बात करें तो आरसीबी अपने पॉइंट स्थान से नीचे घिसक गई है और 9वें स्थान पर पहुँच गई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर के 196 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने शानदार पारी खेली और आरसीबी के स्कोर कार्ड को 196 तक पहुंचा दिया। इसके बावजूद आरसीबी के चांसेस लग रहे थे कि आरसीबी जीतेगी, लेकिन उनके बॉलर्स ने कुछ खास नहीं किया और फिर से आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई। बॉम्बे इंडियंस ने शानदार जीत दर्ज कर ली और बहुत ही आसानी से 15.3 ओवर में मात्र 3 विकेट खोकर के 199 रन बना लिए और 196 रन को टारगेट को आसानी से चेस कर लिया फ्रेंड्स। तो बॉम्बे इंडियंस की लगातार यह दूसरी जीत है और अंक तालिका में वो 7वें स्थान पर पहुंच गई है। तो आने वाले मैच में बॉम्बे इंडियंस की तरफ से स्काई, जिसको हम लोग सूर्य कुमार यादव बोलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। ऐसे भी हम सबको पता है फ्रेंड्स कि बॉम्बे इंडियंस कुछ मैच हारने के बाद ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो आने वाले मैच में बॉम्बे इंडियंस कैसा परफॉर्मेंस करती है देखने लायक होगा। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आरसीबी का क्या हाल होने वाला है नेक्स्ट मैच। थैंक यू।